समिति गोंदिया अंतर्गत आने वाले चारगांव ग्राम पंचायत में क्षेत्रीय विधायक विनोद अग्रवाल के निधि से रोड निर्माण किया गया। कार्य में ग्राम के सभी सदस्य उपस्थित थे। प्रेस वार्ता में तथा जाकर निरीक्षण कर दस्तावेज अनुसार कार्य दिखाई दिया है, जिसमें ग्रामवासियों ने रोड काम की सराहना की और सभी ने कुछ विघ्न संतोषी लोग बदनाम करने की साजिश करने की बात कही। हमने आवेदन लगाए थे और हमको जरूरत थी इस रोड की, और ये रोड जो सरपंच साहब है ये बांध का मजबूती तरह से किए हैं और सब इस गली वाले को कोई तकलीफ नहीं है। विरोधी पक्ष के जो लोग हैं उन लोगों को इन्हें पैसे नहीं मिला होगा, इस कारण इसने माइती लगा के इनको बदनाम कर रहे हैं। ये ऐसा सरपंच इस गांव में नहीं बनना चाहिए, वो विकास करने वाला करके वो बदनाम करके ये गांव के लोगों को भड़का रहा है। सर जी बात ऐसी है कि जो गांव से तकरार गई है, अच्छा, वो तकरार बेबुनियाद है, तर्कहीन है, अपने मन से बनाई हुई कहानियों के आधार पर गांव को बदनामी करने की, प्रशासन को बदनामी करने की ये एक चाल है। तकरारकर्ताओं का कहना यह है कि एमएलए फंड से बने हुए काम को बता करके जन सुविधा का काम के पैसे निकाले गए, जबकि उनकी तकरार के उलट रिकॉर्ड है। जन सुविधा का काम पहले हुआ है, जन सुविधा का काम की पूर्णत्व का प्रमाण पत्र जिसे सीसी कहा जाता है, जो बीडीओ के तरफ से, ईई की तरफ से, जेई के तरफ से बनता है, वो सीसी 2/12/21 को बनी है। मतलब जन सुविधा का काम पहले हो चुका था वहां पे, उसके बाद में एमएलए फंड का काम हुआ है जिसकी सीसी 15/2/22 को बनाई गई है, और इनका कहना पूरी तरह उल्टा है और इस तरह से गांव के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, प्रशासन को गुमराह किया जाता है, अधिकारी वर्गों को गुमराह किया जाता है। कोई भी चीजें ऐसी बताया करो जिससे गांव की बदनामी ना हो, गांव के प्रशासन की बदनामी ना हो। आरोप ये बेबुनियाद है। सबसे पहले जन सुविधा की रोड हुई है नियमों के अधीन, उसके बाद में जो एमएलए फंड के जो 3-3 लाख के 4 काम है वो भी हुए हैं, रोड अपनी ही जगह है। ये लोग अभी बदनाम करने के लिए ये सब कर रहे हैं, गांव का नाम खराब कर रहे हैं। इसके पहले भी उनने कई माइती के अधिकार लगा दिए, कुछ हुआ नहीं है। मैंने एक ऐसा निर्णय लिया था कि किसी के यहाँ भी मृत्यु होती उनको 1500 रुपये दी, ग्राम पंचायत से देंगे, बेटी जिसके यहाँ पहले दाम्पत्य के होती है उसको 1100 देंगे। इसके ऊपर हामी भरने के बाद भी इनने वीडियो साहब को तकरार किए कि ये हमारे बिना साइन से ठहराव पास किए, जबकि ये भी झूठ था। रोड गोबरधन जी नागपुरे से लेकर के शिव मंदिर तक ये रोड गया है, ये विनोद अग्रवाल के स्थानीय विकास निधि के रोड है, और अभी अपन ने जो देखे वो जनसुविधि का रोड है। दोनों रोड अपने जगह पर जो इस्टीमेंट कास्ट थी, इस्टीमेंट में जितना स्क्वेयर फीट था उतना स्क्वेयर फीट ग्राम पंचायत ने बना चुकी है। ये कुछ दलाल टाइप के जो लोग हैं ये गांव में कैसा वैमनस्य फैलाना, गांव में सामने में जो अच्छे काम हो रहे हैं तो ग्राम पंचायत में चाहे फिर से इनकी बावड़ी आएंगी अच्छे काम करने वालों की, करके उनको बदनाम करने के लिए कुछ बिकाऊ पत्रकारों के साथ मिलकर के ये लोग इस तरह से गांव को बदनाम कर रहे हैं। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।